पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मझगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अड़गांव गांव का है, जहां पर मोद कुमार रछारिया की पत्नी सुनीता देवी मंगलवार सुबह 5 बजे के आसपास घर के आंगन में सफाई कर रही थी। तभी सुनीता का हाथ जमीन पर रखे पंखे पर पड़ गया और वह करंट की चपेट में आ गई। सुनीता जब करंट से छटपटाने लगी तब परिजनों की नींद खुली। आनंद फानंद में परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रात में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे मझगवां थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि मृतका का शव कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमीरपुर से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट, एसकेएस न्यूज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? अटगांव। क्या घटना घट गई है? जी, सुबह सुबह जाग के ट्यूबवेल पर रहती थी तो अपनी झाड़ू पोंछा के लिए उठी तो जो पंखा होता फर्राटा वो इनके ऊपर गिर गया, करंट आ गया उसमें। उस वक्त घर पर कोई मौजूद था? सो रहे थे सब लोग। इसके बाद थोड़ी आवाज आई तो जागे लोग, तब काफी देर हो चुकी थी। जब उनको CHC लाया गया तो उनकी क्या स्थिति थी? यहाँ आने के बाद जब साहब ने क्या बुरा हुआ? ये महिला सुनीता है, जो उनके हस्बैंड का नाम प्रमोद है और 45 साल की महिला है, जो हमारे पास अटगवा गांव से ले गई है। और जब लाई गई थी तो उनकी मृत अवस्था में थी और उनके लगभग मरने का 3-4 घंटे हो चुके। सर, कितने बजे ये CHC लाई गई थी? 3-7 बजे।